दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ये मेरी साइट है और इस साइट पर पियर का काम हो रहा है। और ये देखिए हमारा ये पियर है यहाँ पे, और इसका हमने अभी स्टील बांधा है, दूसरी तरफ इसका स्टील बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेबर और मिस्त्री इसका सर्कुलर स्ट्रिप बना रहे हैं जो हमारा 16 mm डाया का है। इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है, कैसे हमको पता चलेगा इतनी कटिंग लेंथ काटने के बाद हमारा ये इतना डाय आएगा, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मेरा पियर है जिसका डाया 1800 है। मैं यहाँ पे लिख रखा है डाया ऑफ पियर 1800 mm, और ये इसका मेरा रेडियस, जो मेरा हाफ रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरा 900 mm रेडियस आ गया। मेरे को निकालनी है ये वाला बार। ये मेरा 16 डाया का बार है, ये 200 सेंटर टू सेंटर है, क्लियर कवर 75 mm का है। मेरे को ये बार की कटिंग लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेरा हो गया हाफ 900, यहाँ पे लिखो रेडियस 900 माइनस, इसमें माइनस क्या होएगा, मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकालनी है, यहाँ 75 कवर माइनस हो जाएगा माइनस। इस बार के सेंटर में आने के लिए मेरे को इसका हाफ करना पड़ेगा, ये कितने 16 डाय का बार है, तो इसका हाफ हो जाएगा 8 mm। जब आप तीनों को कैलकुलेशन करोगे तो आपका आ जाएगा 1817 mm, मतलब यहाँ से लेकर इस सिरे के सेंटर तक मेरा 1817 mm, ये मेरा रेडियस आ गया। अभी ये मेरा रेडियस बन गया, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला लगेगा 2πr प्लस 2 × 10d। अब 2πr तो फार्मूला होगा इसका, 2 × 10d क्या है, यहाँ पे देखिए एक हुक मेरी यहाँ पे है, एक हुक मेरी ये है, ये मेरी हुक ऐसे आ रही है, ये मेरी हुक यहाँ से ऐसे आ रही है, तो दो दो हुक हैं, हुक के लिए 10d लगता है, दो मेरी हुक हो गई, 10d हो गया, माइनस 2 × 2d। अभी 2 क्या है, ये मेरी दो हुक होगी, 2d, 2d मतलब ये दो मेरे बैंड हो गए ना, एक बैंड मेरा ये हो गया, एक बैंड मेरा ये हो गया, ये 90 डिग्री का बैंड है जैसे आपको मैंने वीडियो में दिखाया था, तो 90 डिग्री के लिए 2d माइनस होएगा। तो इसको वैल्यू पुट कर दो, 2 × π का मान 3.14 × r कितना 817, r मेरा रेडियस हो गया यहाँ से लेके यहाँ वाला, प्लस 2 × 10 × अभी डी, डी का मतलब होता है डाया बार। अभी मैं ये वाला रिंग बना रहा हूँ, ये कितने का है 16 का है, तो मेरा यहाँ पे 16 आ जाएगा, माइनस 2 × 2 × ये डी से मल्टीप्लाई होएगा, तो ये डी कितना 16 का स्टील है, तो मेरा 16 आ जाएगा। जब इनको आप कैलकुलेशन कर दोगे आपका आ जाएगा 5 मीटर 386.75 mm। अगर आप इसको मीटर में निकालना चाहोगे तो आपका आ जाएगा 5 मीटर 387, ठीक है, ये आपकी मीटर में आ गई है, ये आपकी एमएम में आ गई, ये आपकी मीटर में आ गई है। तो ऐसे ही इसकी कटिंग लेंथ निकाली जाती है।